पहली बार है कि मनोहर लाल जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उस गरीब व्यक्ति को, कि वो भी हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर आ सके, उसको आर्थिक आधार के ऊपर 5 नंबर देने का काम वो हमारी सरकार ने किया था। और उसकी प्रशंसा प्रथम बैच ने की थी, जो हाई कोर्ट का सिंगल बैच था, उस बैच ने इस जो सिस्टम लागू किया था इसकी प्रशंसा की थी। डबल बैच ने उसको खारिज किया है, परंतु गरीब व्यक्ति को, क्योंकि ये सरकार, ये गरीबों के हितैषी सरकार है, मैं सभी उन युवाओं को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी युवा को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अंतिम समय तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उनके हक की लड़ाई को लड़ेंगे। किसी भी गरीब व्यक्ति के अधिकार दबे नहीं, ये हमारी क्या सरकार उनकी सुनिश्चित नौकरी चली करेगी। किसी जाएगी जिन्होंने? की कोई नौकरी नहीं जाएगी। जो रोक लगाई है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका आदेश नहीं देता, उन्हीं बच्चों को ही रोका जाएगा। बाकी की प्रक्रिया जारी रहेगी, और किसी भी बच्चे को जो सिलेक्शन हुआ है, उन सब की सिलेक्शन होगी। परंतु माननीय हाई सुप्रीम कोर्ट, जो ही हम पूरा विश्वास है कि इस सारी प्रक्रिया को देखेगा,